अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोलिन। कैसे हैं सब लोग? आज बहुत ज़्यादा कैजुअल सी वीडियो है। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई, मैं जैसी थी वैसी ही उठ कर आ गई। मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने आप लोगों से बात नहीं की, कोई वीडियो नहीं बना पाई। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उसकी वजह से ना मैं एक्टिव हो पाई, ना अपने इंस्टाग्राम पर किसी भी सोशल एक्टिविटीज में काफ़ी दूर थी। खैर, ये छोटी सी वीडियो है, बगैर किसी कट के है। बस मैं जो मेरे दिमाग में आएगा, दिल में आएगा, मुंह में आएगा, और मैं वो बोल दूंगी। सबसे पहले उन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी अम्मा के लिए दुआएं की, विशेज़ की, कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, और वो जिस चीज़ से गुजरी और अल्लाह ताला ने उन्हें उससे निकाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर कर रही हैं, इंशाल्लाह और भी अच्छी हो जाएंगी। एक्चुअली उनको ना, मैं बेसिकली यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद कि क्यों आई हूँ यहाँ पर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मेरा दिल नहीं जा रहा था, मेरा मूड बिल्कुल, मैं ऑफ थी। और क्योंकि सब जानते हैं कि मैं इकलौती बेटी हूँ और मेरा भाई है एक, अल्लाह बहुत सारी ज़िंदगी दे, लेकिन घर में जो बेटियाँ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे लोगों के होगी। तो मेरी अम्मा ने मुझे बोला, तुम मेरी वजह से तुम अपना काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हो, मेरी वजह से तुम वीडियोस नहीं बना पा रही हो, मेरी वजह से तुम चैनल पे नहीं आ रही हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है? अपने माँ बाप की खिदमत करना, क्या इस चैनल और इस वीडियो से, मतलब क्या ये वीडियो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है मेरी चैनल पे अपलोड करना? उनके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? लेकिन मेरा मकसद यहाँ आने का ये है कि वो जो है ना, लेटे लेटे मुझे मोबाइल पर देखती रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो उनके लिए बनाऊँ। इसलिए मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह जोड़ तोड़ करूँ अल्फाज का, और कहूँ कि अम्मा ये देखें मैं आ गई हूँ, YouTube पर कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये मुझसे मेकअप नहीं हो पाता, मुझसे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं आ जाऊँगी ना, देखें आ गई हूँ, आपके कहने पर मैं आ गई हूँ। तो अब आप ये वीडियो देखेंगी तो आप खुश हो जाएंगी, सही है? सबसे पहले मैं उन लोगों का, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी अम्मा के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, और मुझे आप लोगों की दुआओं की और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरी अम्मा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की जगह पर वो देख सकें, वो देखना चाहती हैं मुझे। तो आप सब मेरी अम्मा के लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे अल्लाह ताला ये कामयाबी देंगे, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होंगी। जिस इंसान को खुद पर यकीन हो तो वो ज़रूर, और फिर प्लस आपको अपने वालदैन की दुआएं आपके साथ हों तो आप कभी नाकाम हो सकते हैं ज़िंदगी के किसी भी मरहले में। जिस औलाद को माँ बाप की दुआएं हों वो कभी भी नाकाम हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती, तसव्वुर भी नहीं आता। जब वो अल्लाह से हमारे लिए दुआ करती होंगी तो अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो मैं यहाँ पर आने का मकसद यही था कि मैं जल्द से जल्द आऊँ और वो मुझे स्क्रीन पर देखेंगी तो उनको खुशी होगी कि मेरी बेटी स्क्रीन पे आ रही है। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए मैं ये कहने वाली थी कि मेरी लाइट ऑफ हो गई थी यहाँ से, ये जो बल्ब मुझे लगे हैं, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी अभी, मुझे तो याद ही नहीं रहा इस पे दोबारा अभी मैंने वो लगाना है जो मैंने बाम बनाया था, लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया है ये, एंड ये यहाँ पर था तो वो फिर बना नहीं पाई। तो इसलिए मुझे ये इन लाइट से काफ़ी थोड़ा सा डर भी लगता है, काफ़ी दफ़ा मुझे पकड़ चुकी है। मैं क्या कह रही थी,
ये कह रही थी कि कहीं भी मैं कट नहीं करने वाली हूँ, मैं एज इट इज़ ही अपलोड करूँगी वीडियो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एडिटिंग का टाइम नहीं है कि मैं एडिट करूँ और फिर उसमें थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करूँ और जान पैदा करूँ। वही जिसको मैं अच्छी लगूँगी उसको मैं वैसे भी अच्छी लगूँगी, और जिसको मैं नहीं अच्छी लगूँ उसको मैं कभी भी अच्छी नहीं लगूंगी। तो जो लोग मुझे देखना चाहेंगे वो मुझे पूरा देख लेंगे, जो लोग नहीं देखना चाहेंगे वो नहीं देखेंगे। इन शॉर्ट, मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मेरी अम्मा मुझे देखें स्क्रीन पे और उनका दिल खुश हो जाए, वो अच्छा अच्छा फील करें। देखें, आपकी बेटी अब भी आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी, फिट हो जाएगी, और फिर वो ढेर सारी वीडियोस बनाएंगी। कहीं नहीं भागी जा रही, ना यूट्यूब कहीं जा रहा है, ना मैं कहीं जा रही हूँ, ना ये मोबाइल और ये सब कुछ मेरे साथ है। तो किसी को भी नहीं बताया, मेरी अम्मी को स्ट्रोक का अटैक हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत साबिर हैं, और उनकी साबिर बेटी भी ये सामने बैठी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुश्किल वक्त से निकाल लिया, और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहत देगा, शिफा देगा, और वो जल्द से जल्द बिल्कुल फिट हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक तो और और मैसेज है कि औलाद कभी भी अपने माँ बाप से तंग नहीं आती है, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो औलाद ही क्या कि जो अपने माँ बाप से तंग आ जाए, या उनकी खिदमत से, कभी भी नहीं। या उनकी वजह से आपकी औलाद का काम डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं, कभी भी नहीं। बहुत से लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरा कोई काम का हर्ज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन हम सबको मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी, बहुत से लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, और हमें ये बहुत अच्छा मौका मिलता है अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, उनकी केयर करना, और आपके माथे पर शिकन नहीं आए, बल नहीं आए, उनकी खिदमत करते हुए। तो आप दुनिया के बहुत खुशकिस्मत इंसानों में से हैं। तो वो कितने लकी लोग होंगे कि जो अपने माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने उनको चुना है। जब अल्लाह ताला ने चुना है तो सोचें, ऐसी औलाद कभी नाकाम हो सकती है? मेरे ख्याल में कभी भी नहीं। ऐसी औलाद कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकती। तो ऐसी बहुत सी माएँ, हो सकता है मेरी ये वीडियो देखें, ऐसी बहुत सी लड़कियाँ, ऐसे बहुत से लोग मेरी वीडियो देखें, हो सकता है कुछ लोगों को कोई मोटिवेशन ही मिल जाए मेरी बात से, कि ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका अगर पॉजिटिव है, आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा अच्छा होता है। और आजमाइश किस पर नहीं आती? अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश के लिए चुनता है, और हम तो मैं अभी ब्लैंक हो चुकी हूँ बिल्कुल। अभी मेरे दिमाग में कुछ बातें नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे बोल रही हूँ कुछ, क्योंकि सही बात है, आप जब इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं तो कुछ आपका दिमाग भी थोड़ा सा काम नहीं करता। तो अब मैं ब्लैंक हो गई हूँ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं की बोला की बोलना, बस इतना। अपने पेरेंट्स की कदर करें, उनसे प्यार करें, और अगर अल्लाह ताला ने हमें चुना है उनकी खिदमत के लिए, तो कभी भी अपने माथे पर शिकन ना लेकर आए, क्योंकि ये सारी दुनिया, आपको बहुत सारी चीज़ें बार बार मिल सकती हैं, एक माँ बाप हैं, आपको कभी भी दोबारा नहीं मिलता है। तो जितना हो सके प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे। ये वीडियो अब मैं किसी और एंगल में बनाना चाहती थी कि मेरी अम्मी ऐसे खुश हो जाएं मुझे देख के, अभी मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से यही बातें निकल रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ और बोलूँ कुछ और बोलूँ, लेकिन अभी बस वो ही घूम रहा है ना दिमाग में सारा कुछ।
आप लोग जब भी हाथ उठाएं और दुआ करें, नमाज पढ़ें, तो मेरी अम्मा के लिए, मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और शिफा वाली ज़िंदगी दे, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी का मोहताज ना करे, सिवाय अल्लाह के ही हम मोहताज रहें हमेशा। तो मेरे पेरेंट्स के लिए आप दुआओं में शामिल, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, सबके वालदैन, और आप भी मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी ज़िंदगी दे, उनका साया हम पर सलामत रहे। अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया उन पर सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। आज का मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज याद था। रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।